डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। विघ्न आ रहे हैं ना, जो रास्ते खराब है तो विघ्नहर्ता के लिए विघ्न आ रहे हैं, उसको दूर करने के लिए हमने दो संगठन है, हमारे हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन और महाराष्ट्र छावा संगठन, दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि कल के दिन में जो मेन रास्ते है जहाँ से गणपति की मूर्तियां उल्लासनगर में आती है और फिर विसर्जन के लिए जाती है, जैसे आप ये ब्रिज पकड़ लीजिए, 3 नंबर ओटी को तो 4 नंबर से जोड़ती है, आपके 4 नंबर के मार्केट से जो गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, 3 नंबर इसी रास्ते से जाती है और जानी भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई और रास्ते से जाएंगे ईराघाट वगैरह से तो ब्लॉकेज होगी ट्रैफिक की। तो ये रास्ता, खास करके ये जो ब्रिज है ये और फॉलो लेन वाला रास्ता, ये हम लोग खुद कल श्रमदान करके हम लोग भरने वाले हैं अपने हाथों से। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग निकले हैं आप जैसे लोगों से, राजनीतिक वाले लोगों से और जो बिजनेसमैन अच्छे अच्छे उनसे, धनदान हम आपसे मांग रहे हैं, श्रमदान हम करेंगे। बहुत अच्छी पहल है आपने जो पहल रखी, हमें खुशी हुई है। खाली रास्ता में से खड्डा मुक्त करेंगे या ऐसे भ्रष्टाचार नेता भी मुक्त करोगे? अभी फिलहाल तो गणपति जी आ रहे हैं तो फिलहाल ये रस्तों के खड्डे को भरेंगे। नहीं नहीं, उसके पीछे ही है ना, इलेक्शन भी आ रही है, तो जो शहर के अंदर, और हमसे ज्यादा आपको पता है कि शहर के अंदर कितने भ्रष्टाचारी नेता लोग हैं, किन नेताओं के साथ आपके भी रिलेशन होंगे? मेरे सबके साथ रिलेशन। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोला, मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किन नेताओं के साथ। तो ऐसे नेताओं को भी आगे चल के आप शहर से मुक्त कराएंगे कि खाली खड्डे तलक मुक्त? आप मतलब जो पहल है जी, खाली खड्डे तलक रहेगी कि नेताओं की भी रहेगी? हर तरीके से रहेगी, सिर्फ खड्डे तक क्यों सीमित रहेगी? एनजीओ है, वी हैव टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। सिर्फ हम लोग गणपति जी को लेके आए और उनको वापस विसर्जित करके आए तो हमारी ड्यूटी पूरी नहीं हुई? सिर्फ इलेक्शन में भी पूरी नहीं हो जाती कि हमको किसे चुनना है, उसके बाद उससे कैसा काम लेना है ये भी हमारी ड्यूटी है। हम ये बच्चों को साथ में इसके लिए लेके घूमते हैं, इनको ट्रेन करना है सिटीजन एक्टिविज्म क्या होता है। आज मुझे एमएलए की जरूरत क्यों पड़े या मुझे ये आपसे धनदान लेने की जरूरत क्यों पड़े, ये नौबत आई क्यों? बरोबर है, सब नेता जो भी है, चलिए वो रूलिंग में है, कुमार आलानी जी आमदार है आज, लोग आप सब लोग बोलते हैं उन्होंने फंड्स मंगाए लेकिन काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन एज अपोजिशन या एज दूसरी उनकी अलायंस पार्टी, सबका फर्ज है ना उनको प्रेशराइज करके उनसे काम लेना। आप लोग सब फेल हो रहे हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं। आप सहमत है कि नहीं मेरी बात से? आप लोग से मतलब इट इज नॉट इंडिविजुअल, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला कर भी नहीं पाऊंगा, मेरे को भी सबकी सपोर्ट लगेगी। शहर के अंदर अगर कुछ करना है तो, और समझो उसके लिए तो हमने मुहिम भी शुरू की, हम आज तक इससे पहले कोई गवर्नमेंट से फंड नहीं लाया, हमने उल्लासनगर विकास के लिए 25 करोड़ की निधि लाके कुछ अपने वार्ड के अंदर अच्छे काम किए हैं, जिसके कारण आज हमारे एरिया के कम से कम प्रॉपर्टियों की वैल्यू, उसके कारण लोगों के जो काम है उसमें भी इंक्रीमेंट हुई है, कितने जनों को उधर नौकरियां मिली है। इतने छोटे अमाउंट में हम अगर इतना कुछ कर सकते हैं, और मेरी तो शहर के अंदर आज तक सबसे छोटी में छोटी पोस्ट पे रहा हूँ, मेरे से ऊपर वाले पोस्ट पे महापौर, स्टैंडिंग और एमएलए, खासदार ये थे, फिर भी मैंने शुरुआत की है। मैं अपने कामों में यहाँ मेरे वार्डवासी बहुत खुश है और मुझे अच्छा प्यार भी देते हैं, अच्छा आशीर्वाद भी हमेशा करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि उल्लासनगर में भी इस तरह से कार्य हो, और उसमें मैंने आम जनता, मैं वही बोल रहा हूँ, आम जनता की पार्टिसिपेशन होगी तभी राजा को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। यस, राजा से काम लिया जा सकता है। यस, यही मैं बोल रहा हूँ, बच्चों को यही सिखाता हूँ, सिटीजन एक्टिविज्म इसको बोलते हैं। यस, मुझे आपके पास आना क्यों पड़े धनदान के लिए? अगर रास्ते बने हुए होते, कारपोरेटर बनाता, कारपोरेशन बनाती है, आमदार बनाता, तो मैं और निखिल भाई ये काम क्यों करते? आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे कभी कभी हैरानी होती है इस बात की कि मतलब जो काम उन सबको करना चाहिए वो हमको करना पड़ रहा है। और एक बात भरत भाई, एक दिन का, हम लोग 4 घंटे से साथ में है सब, 4 घंटे से निकले हैं, इतने फंड्स भी आ गए हैं, इतना मैन पावर भी आ गया कि कल हम लोग एक ब्रिज का जितने भी खड्डे हैं बना लेंगे। कॉर्पोरेशन क्या नहीं कर सकती एक महीने में, आप बताइए? बहुत कुछ कर सकती है। वेयर इज द विल, वेयर इज द पॉलिटिकल विल? देखो, इच्छा शक्ति कहाँ है? इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना काम करने की, कर तो सब सकते हैं। नहीं देखिए, यहाँ पे मैं जब 25 करोड़ लाया ना,
तो मेरे सामने जो मेरे विरोधी नेता है वो सिर्फ काम रोकने के लिए आते हैं। यस, यही हमारे शहर की बदकिस्मती है। हाँ, काम हो रहा है, पब्लिक का नहीं चाहिए, नहीं श्रेय चाहिए, क्रेडिट चाहिए। हाँ। भरत ने किया, निखिल ने किया, किसने किया, क्रेडिट, पाइप और क्रेडिट। हाँ, उस चक्कर में हमारा शहर अटका हुआ है। यस। और उसमें हमारी जनता आवाज नहीं उठाती है जी। वो जनता भी उनके पीछे चली जाती है, होता ही है। दिक्कत उधर है, मेरे को भी आज एक एक रोड को बनाने में एक एक साल से ऊपर लग गया, खाली मेरे विरोधियों के कारण। आज बनने के बाद वही जनता खुश है, वही सपोर्ट करती है और थैंक्स भिजवाती है मेरे को कि बहुत अच्छा काम किया। एज अ कॉमन सिटीजन ना, मैं जब गया आमदार के पास ऑफिस में, हम सब थे साथ में, आमदार जी ने पहले तो समझा ही नहीं कि क्या है, फिर मैंने उनको बताया कि हम लोग रोड के लिए डोनेशन मांग रहे हैं। पहले तो हैरान हो गए, गणपति की मूर्ति आ गई थी ऑफिस में, 20 लोग आ गए। मैंने बताया हम लोग कल ये ब्रिज खुद बना रहे हैं। तो मुझे थोड़ी एज अ सिटीजन हैरानी हो रही है कि उन्होंने 11,000 का मुझे डोनेशन दिया कि ये रोड बनवाइए। तो मुझे ये हैरानी हो रही थी कि अगर आप काम करते थे, आप रोड बनवा देते, तो मैं आपके ऑफिस में इस काम के लिए नहीं आता। लेकिन फिर एज अ फाउंडर प्रेसिडेंट अपने फाउंडेशन का, फिर मुझे ये खुशी भी हो रही है कि यार चलो आपस के पॉलिटिकल आपके कुछ भी है, लेकिन मैंने जो शहर का मुद्दा उठाया तो उसमें सब साथ दे रहे। मुझे कुमार अलानी जी की तरफ से फंडिंग मिली, उम्मीद अलानी जी की तरफ से फंडिंग मिली, आपकी तरफ से भी मिलेगी। तो कहीं भी पॉलिटिक्स बीच में न लाते हुए आप लोग कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर आकर इसके लिए मदद कर रहे हैं पब्लिक के लिए, उसके लिए आई एम थैंकफुल टू।